Maths workbook plus copy. Unit number 5, exercise number 5, BP 799. Start with me. Question number 4, convert hours into minutes. अब आप लोगों को पता है कि एक घंटे में 60 minutes होते हैं, ठीक है? तो हमने hours को minutes में convert करना है. हमारे पास question दिया गया है 14 hours. हमने solution में लिखा, सबसे पहले हम question लिखते हैं, तो हमने लिखा 14 hours equal sign लाजमी प्लेस करें, ठीक है? फिर हमने बताया 1 hour equals 60 minutes. इसके बाद 14 आवर्स से 14 आवर्स आवर्स में जो मिनट्स में कन्वर्ट किया तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से. 14 आवर मल्टीप्लाई 60 मिनट. अब वर्किंग में हमने किया इसको मल्टीप्लाई 60 को 14 से. 0.00.624 फिर क्रॉस सेकंड नंबर से करने से पहले 1 × 0.0660 4 + 4 + 0 4 2 + 6 8 तो आपके पास आंसर आ गया 840. और अब आवर्स नहीं है, अब आपने ये आंसर निकाला था मिनट्स में, तो यहाँ पे आएगा मिनट्स और आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी. यहाँ पर आवर्स भी दिए हुए मिनट्स भी दिए हुए हैं. जब आवर्स और मिनट्स दोनों दिए हुए हो तो हम इनको ऐसे सॉल्व करते हैं. पहले हमने वैसे इस क्वेश्चन लिखा 12 hours 49 minutes. हमने पहले बताया इनको 1 hour में होते हैं 60 minutes. हमने दिया 1 hour = 60 minutes. इसके बाद आपने आवर्स को ये तो पहले से मिनट्स में कन्वर्ट है 49 minutes. आपने सिर्फ आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना था. हम यहाँ पर लिखेंगे 12 hours × 60 minutes प्लस, क्योंकि ये इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये पहले से ही मिनट में है तो मिनट प्लस हो जाएंगे. आप लिखोगे 12 hours × 60 minutes + 49 minutes. इसके बाद पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 1 × 60 = 12 2 × 0 0 2 × 6 12 1 × 1 × 0 0 1 × 6 6. इसके बाद 0 + 0 2 1 + 6 7. तो क्या आ गया आपके पास 720 minutes. अब प्लस 49 मिनट है, जैसे आगे आपसे खुद को प्लस करना है. 720 में 49 प्लस किए 9 + 0 9 2 + 4 6 और ये 7 आ जाता है आपका आंसर का 769 मिनट. और ये आपका आंसर. अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 5B का पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए से डी तक सारे कॉपीज पे करने हैं और टेबल याद करने हैं. ओके एवरी, ठीक है.